खबर जनपद अमेठी से है, जहां एक विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल पूरा मामला अमेठी कोतवाली के हाटी गांव का है, जहां उदयराज सिंह से निशा की शादी हुई थी। देर रात निशा का शव फांसी पर लटकता हुआ मिला। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। सीओ पीयूष कांत ने कहा कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हमें 8 बजे सूचना मिली है कि आपकी लड़की फांसी लगा के खत्म हो गई है। हमने कहा क्यों खत्म हो गई, कोई वजह? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आपकी लड़की खत्म हो गई। एक ये छोटा सा बच्चा है उसका, उसी के पास था, उससे कहलाए कि पूछो अपनी नानी से कि वो तो मर गई, हम अब क्या करें, हम अब क्या करें, और आप अपनी लड़की खत्म हो गई है, उसको ले जाओ। ये हमें सूचना दी गई। गाड़ी बुक किया और प्रयास किया, 100 नंबर पे पहले डायल किया, 112 नंबर पे उन्होंने कहा अपने थाने से परमिशन लीजिए। मैं गई सर, 4 चक्का बुक करके थाने गई। वहाँ पे सर हमने परमिशन मांगने की कोशिश की, बोले DM साहब चले गए हैं, परमिशन नहीं मिल पाएगी आपको, आप नहीं जा सकते हो, अकेला जाना चाहती हो तो जाओ। तो सर मेरे पास और कोई था नहीं, तो मैं अकेले आती कैसे? फिर उसी में से एक कर्मचारी बोला ऐसा करो आप सुबह बाइक से जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। चलिए ठीक है, तो आपको क्या आशंका है इसमें? सर हमें आशंका है कि मेरी बेटी मारी गई है, अपने आप नहीं मरी है। थाला ग्राम का एक प्रकरण सामने आया है। कल रात को सूचना मिली कि एक विवाहिता थी जो फांसी पे लटकी हुई मिली, सूचना यही मिली थी। सूचना पे थाने की पुलिस गई और बॉडी को उतारा गया है और PM के लिए उसको भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है और अभी परिजनों द्वारा कुछ ऐसा नहीं बताया गया, कोई तहरीर जैसी चीज़ नहीं आई है। आगे जैसी उनके द्वारा अगर कोई शिकायत मिलती है, कोई सूचना ऐसी मिलती है, तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाए।